हेलो बच्चों, सो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ऑर्बिटल तक पढ़े थे, ठीक है ना। उसके बाद आगे को देखते हैं हम लोग। उसके बाद हमने बोला था कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट का, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया तो इसको बोलते हैं 1s1, यानी कि इसका केवल 1s ऑर्बिटल होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। अगर हीलियम है तो हो गया 1s2, इसमें 1s में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर सकते हैं। लिथियम हुआ वो होता है 1s2 2s1, यानी कि 1s में तो दो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और उसके बाद 2s भी है इसमें, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अगर बात करें लिथियम की तो टोटल है 3 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन गया 1s ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में। तो यहाँ से एक बात आपको याद रखना है, ठीक है ना, ईच ऑर्बिटल चाहे वो किसी भी टाइप का हो, sp df, है ना, कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तब कोई भी ऑर्बिटल ले ले, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 2 होगी। 2 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। उसमें भी दोनों का जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। अगर ये अप है तो ये डाउन है, ये अगर +1/2 है तो ये -1/2 है, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम की बात करें तो 1s2 2s2, है ना। बोरोन 1s2 2s2 2p1, तो 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में दो इलेक्ट्रॉन और 2p में जो टोटल ऑर्बिटल की संख्या होती है 3 होती है, उसमें आप एक को फिल कर रहे हैं। इसके बाद कार्बन 1s2 2s2 2p2, तो 1s में तो दो इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2p में दो इलेक्ट्रॉन और 2s में दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एंड 2p में भी दो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम हंट्स रूल को फॉलो करें। हंट्स रूल बोलता क्या है कि अगर आप एक सबसेल है, जैसे ये पी सबसेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल है, 3 बॉक्स है, एक बॉक्स को ऑर्बिटल बोलते हैं, तो इसमें आप फिल करना है इलेक्ट्रॉन, तो पहले सिंगल सिंगल सब में भरिए, उसके बाद पेयरिंग कीजिए। दो इलेक्ट्रॉन तो पहले एक एक भरती है, 3 रहता तो 1 1 1 भरते, 4 रहता तो 1 1 1, और फिर इसके बाद इसमें एक पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये था 2p का। नाइट्रोजन जो है वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, तो ये होगा 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p में दो इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में दो इलेक्ट्रॉन और 2p में हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। आप सिंगल सिंगल भरिए। अब यहाँ पर देखिए, ये हाफ फील्ड है, तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो स्टेबल है ये, ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर स्टेबल का मतलब क्या है कि इसकी जो है एनर्जी कम रहेगी, ठीक है। और ये ऐसे आप बोल सकते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट को आप खरीदते हैं तो कितना टिकाऊ है ना, कितना वो टिकाऊ है, वही है यहाँ पर स्टेबिलिटी। ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये चेंज नहीं होना चाहेगा अचानक से, क्योंकि सब में हाफ फील्ड है। अब एक नेक्स्ट की बात करें, ऑक्सीजन ये जगह 1s2 2s2 2p4, ये 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में हो जाएगा 4, मीन्स एक एक भर लिए और तब पेयरिंग किए। उसके बाद फ्लोरीन आ जाएगा 1s2 2s2 2p5, तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, है ना, 2p में भी, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरिए और 2p में 5, सो 1 2 3 4 5। और उसके बाद नियोन 1s2 2s2 2p6, 1s में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 2p में 2 फिल कीजिए और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये सबसेल जो है ना पूरा का पूरा भर जाएगा, देखिए कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया। अब इसको बोलते हैं भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो पेयर में नहीं है, मतलब जोड़ा में नहीं है। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, लिथियम में, उसके बाद बेरिलियम में नहीं है, बोरोन में एक है, कार्बन में 2 है, नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, ऑक्सीजन में 2 है, फ्लोरीन में 1 है और नियॉन में 1 भी नहीं है। तो ये आपसे पूछा जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़िए। एस ऑर्बिटल जो बताया था वो कैसा था, अस्फेरिकल। ये हमारा एस ऑर्बिटल, ये सिमेट्रिकल होता है ना, कोई डायरेक्शन इसका नहीं है, हर डायरेक्शन में एक ही जैसा दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सेम ही रहेगा। अगर पी ऑर्बिटल की बात करें वो तो 3 टाइप का होता है। अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक होता है पी एक्स। पी एक्स का मतलब क्या है कि ये जो लोब है ना वो
एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। उसके बाद होता है पी वाई, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो ये लूप जो होगा वो वाई एक्सिस की तरह अलोंग लाई करेगा। और एक होता है पी जेड, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस, जो कि इस प्लेन में नहीं होगा, है ना, इसलिए मैं डॉट से दिखाया हूँ। और इसका लूप जो होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, ये होता है पी जेड। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, है ना, लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन में, है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। लिथियम में फर्स्ट ऑर्बिट में दो, सेकंड ऑर्बिट में एक, तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो एक होगा, है ना, यहाँ पर होगा एक। बेरिलियम का फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड ऑर्बिट में हो गया दो इलेक्ट्रॉन, तो दो जो है लास्ट ऑर्बिट हुआ उसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। इसी तरह बोरोन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो दो इलेक्ट्रॉन है 1s2 एंड सेकंड ऑर्बिट में है दो एंड एक, तीन, बिकॉज ये है 2s2 2p1, ये दोनों आ गया सेकंड ऑर्बिट में, तीन। इसी तरह कार्बन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, और नियोन के हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 8। इसका मतलब को बोलते हैं उसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, वो बहुत ही कम रिएक्टिव होगा नियोन। नियोन क्या होता है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्यों होता है कि पहले ही उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही है। अब यह आता है वैलेंसी। वैलेंसी मतलब 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली हम लोग करते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 4 से ज़्यादा हो तब। तो अगर फ्लोरीन की बात करें वैलेंसी का, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि 1, या ऐसे भी देखिए इसके पास है कितना, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, और वो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाना चाहेगा। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 8 करने के लिए इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तो इसका वैलेंसी जो होगा वो शो करेगा 2। नाइट्रोजन पहले से है कितना इलेक्ट्रॉन, पहले से इसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 2 और 3 5, तो इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो वैलेंसी हो जाएगा 3। कार्बन का 4 है तो वो 4 एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 4। अब इसके पास वैलेंसी है 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, ठीक है, अब इसको 8 करने के लिए 5 जो है एक्स्ट्रा चाहिए, 5 चाहिए तभी तो 8 होगा जी। इससे अच्छा ये क्या करता है कि 3 दे देगा, 3 दे देगा, तो ये हीलियम के इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर लेगा, क्योंकि हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये 5 एक्सेप्ट करने के बजाय 3 दे देगा, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। इसी तरह बेरिलियम 6 एक्सेप्ट करने के बजाय 2 ट्रांसफ़र करके हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा, ये भी एक दे करके खुश रहेगा, क्योंकि 7 इसको लेना है भाई, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए, है ना। और हीलियम तो 0 होगा क्योंकि पहले से ही इनर्ट गैस है, ये भी कैसा है गैस, इनर्ट गैस है, जो कि रिएक्शन में भाग नहीं लेता। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा, है ना, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करें तो नियोन के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आना चाहेगा बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। ये था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग इज ज्वाइनिंग द टू एटम्स, ज्वाइनिंग ऑफ टू एटम्स इन स्टेबल अरेंजमेंट, इसी को हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, ये क्या है, लेस स्टेबल, लेकिन जैसे ही ये आपस में आएगा नज़दीक, ये इस तरह से बॉन्ड बना लेगा ओवरलैप करके, और ये बन जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल, और ये हो जाएगा हमारा मोर स्टेबल। यानी कि जब भी बॉन्ड बनेगा ना, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा, है ना, ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। तो ये कैसे भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक,
एक जो थर्मिक रिएक्शन आप लोअर क्लास में पढ़े हैं वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना, हीट के फॉर्म में। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक, हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, है ना। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या होता है सिस्टम का, कम होता है, एनर्जी इज लोअर्ड एंड स्टेबिलिटी क्या होता है बढ़ता है, तो स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड। एनर्जी जो है लोअर होता है लेकिन स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, समझ गए, ये ध्यान रखिए। सिमिलरली अगर दो नाइट्रोजन का आइटम है, एक कम स्टेबल है वो आकर के बन जाएगा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐसे, है ना, N2 मॉलिक्यूल बनाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। बॉन्डिंग से एक और फ़ायदा क्या है कि जो है ना नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अटेंड करते हैं, तो बोल सकते हैं कि थ्रू बॉन्डिंग एटम्स अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे, देखिए नाइट्रोजन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 है, ठीक है, तो 5 ऐसे रख दिए दोनों पे। अब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है 1 2 3, तब एक नाइट्रोजन पे तो 5 था, पहले से 5 है और 3 इसके साथ शेयर भी कर लिया, तब टोटल जो होगा वो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इस नाइट्रोजन की भी बात करें तो 5 तो इसका खुद का था और 3 शेयर कर लिया उसके साथ, शेयरिंग किया है, यानी कि वो दोनों के लिए काउंट किया जाएगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन। इसे क्या हुआ कि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इससे वो ज़्यादा स्टेबल भी बन गया, ये ध्यान देने की बात है। अब देखिए फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, सिर्फ 7, तो फ्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तब ये जब एक बॉन्ड बनाएगा तो ये टोटल इसके पास अब कितना हो गया, 8 हो गया, 7 खुद का और एक शेयरिंग कर लिया, तब यहाँ भी क्या हो गया, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए जो कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तब ये एक एक ही शेयर करेगा तो ये बन गया H2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। क्या यह नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल है, हीलियम वाला इलेक्ट्रॉन ये अटेंड कर रहा है क्योंकि हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएगा, ठीक है। मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ध्यान दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले थे लास्ट ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, रख दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 2 2 4 और 6, 8 करना है तो 2 2 बॉन्ड बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तभी तो 8 होगा, इसी वजह से ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, ये हो गया ऑक्सीजन का, समझ गए। इसी तरह और भी कंपाउंड के बारे में समझिए, मीथेन गैस के बारे में समझते हैं, मीथेन होता है CH4, या CH5 क्यों नहीं होता, या CH3 क्यों नहीं होता, ये भी समझने की बात है, ध्यान दें, कार्बन के पास होता है खुद का कितना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा कि 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना, इस तरह से। तो कार्बन के अब कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए 8, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास, है ना, और हाइड्रोजन के पास टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन भी खुश है क्योंकि उसका भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अटेंड हो जा रहा है 2, और कार्बन भी खुश है, इसीलिए वो CH4 बनाएगा ना कि CH3, CH3 बनाएगा तो उसमें सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन टोटल रहेंगे, समझ गए। अब अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया होता है NH3, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, अब इसको 8 करने के लिए सिर्फ 3 ही बॉन्ड की ज़रूरत है, तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन करेगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, अब ये इस तरह से ज्वाइन कर लिया, अब ये देखिए इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। HF की बात करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के पास हो गया टोटल 7, है ना, तो ये एक ही बॉन्ड बनाना है इसको, तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया फ्लोरीन का, और हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, दोनों का नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अटेंड हो गया, ये स्टेबल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आगे का जो है
थ्योरी पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।